बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं कासिर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, कोई भी आपने एरिया डेवलप करना है उसके मुताबिक कि आप उसके अंदर प्लाटिंग कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर रोड्स कैसे बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ प्लाट्स होते हैं, जैसा 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल्स के, उनके साइजेस वगैरह क्या होते हैं, उनको साइजेस के हिसाब से आपने उसको कैसे एडजस्ट करना होता है, उसका क्या तरीकाकार होता है। इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे और उसका पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरे ज़रूर फॉलो और लाइक कर लें। इसी तरीके से अगर आप इस चीज़ को पूरा कंप्लीट समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को मेरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें नेक्स्ट वीडियोज के अंदर भी इसके मैं 2-3 चैप्टर्स बनाऊंगा इस वीडियोज के, जिसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट इसका सीवरेज के सिस्टम के मुतालिक आप कैसे बना सकते हैं, ड्रेनेज का सिस्टम है, इसी तरह वाटर सप्लाई और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो भी चीज़ें जा रही होती है अंडरग्राउंड या आप उसको ओवरहेड जिस तरीके से भी लेके जाना चाहते हैं उसके मुतालिक भी मैं इनको अलग अलग चैप्टर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट जीरो से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट फिर इसको आगे उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो आपने ऑटो कैड को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने ये लेयर्स बना देनी है। जो जो सी भी लेयर्स इसके अंदर आती हैं, 1 कनाल प्लाट है, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, कोऑर्डिनेट्स है इसमें, डिम डायमेंशन है, एरोज है, FRL है, इन्वर्ट्स लेवल है, इसी तरह लेयर्स आपकी जो जो जा रही है, जो जो से भी आपका आपने उसमें काम करना है। ऑटो कैड में अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले लेयर्स बना दें, लेयर की LA की कमांड ले लें और जैसे व्यू क्रिएट करके और जो जो से भी लेयर है वो आप लेयर बनाएं और आगे सारा काम हमने लेयर्स के अंदर करना है। बात करेंगे प्लाट्स के साइज के मुताबिक। सबसे पहले आप देखें 5 मरले के जो प्लाट्स पाकिस्तान के अंदर ही आ गए, जो स्टैंडर्ड जो साइज का स्टैंडर्ड चल रहा होता है वो होता है 25x45 फिट या 11x25 स्क्वायर फिट। 7 मरले का प्लाट है 30x52.5 या 51x30.5 75 फिट स्क्वायर फिट इसका एरिया होता है। 10 मरला प्लाट 40x60 होता है या 35x65 होता है, 2400 स्क्वायर फिट इसका एरिया होता है। 1 कनाल 50x90 का प्लाट होता है और 4500 इसका स्क्वायर फीट एरिया होता है। तो अभी आप कोई इन प्लाट्स के ऊपर कोई आप छोटी मोटी सोसाइटी डिजाइन करना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, तो इसके मुताबिक मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर कि आप उनको कैसे बहुत जल्दी क्विकली बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ ही रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसी कंसेप्ट को समझेंगे कि हमने टाउन प्लानिंग को कैसे इन प्लाट्स को लगाने हैं, इनके रोड्स वगैरह को बनाने। तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कुछ मखसूस एरिया मेरे पास, इसके अंदर हमने इस चीज़ की डिवाइडेशन बनानी है। एरिया तो बहुत बड़ा है, ये बेसिकली टॉप ऑफ सर्वे वो होता है सबसे पहले इस काम के लिए और उसके बाद उसके सरफेस बनती है। सरफेस बनने के बाद सारा एरिया का एनालिसिस होने के बाद उनका पूरा डिज़ाइन बनता है। तो अभी हम जस्ट अपने सिंपल के वे के हिसाब से मैं आपको बेसिक कंसेप्ट को बता देता हूँ कि अगर आपने ये 5, 10 और 1 कनाल का प्लाट अगर आपने ड्रा करना है तो उसको कैसे करेंगे। इससे आगे की मजीद वीडियो में मैं आपको मजीद डिटेल बताऊंगा सीवरेज का, इरीगेशन का आपको, और इसी तरीके से वाटर सप्लाई का, ड्रेनेज सिस्टम के मुताबिक उसको आप कैसे उनके अंदर लगा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 5 मरले का प्लाट्स है, 7 मरला, 10 मरला और 12 कनाल के प्लाट्स है। इसके बीच में पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लेयर्स वगैरह आप इसकी बना लें। सबसे पहले आपने लेयर्स बनानी है और उसके बाद ये सारे काम करने हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं कि 5 मरले का प्लाट है, ये आपने प्लाटिंग का साइज इसी तरह रख के रेक्टेंगुलर बना देनी है। 25 फिट है हमारे पास इधर और इसी तरीके से ये ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारे पास 45 फिट है। ये इनके साइजेस जो है, जो साइजेस लिखे हुए हैं उसके हिसाब से आपने ये बॉक्सेस बना लेने हैं, जो प्लाट के आपके साइज होंगे उसके हिसाब से ये 30 फिट है। और ये इसी तरह आप देख रहे हैं कि 7 मरले का जो प्लाट है 52.6 इंच आएगा। ये आपने ये सारे बना लेने हैं और बनाने के बाद आपने इनको ब्लॉक की शक्ल में बना देना है। ब्लॉक इसका ब्लॉक पहले का ब्लॉक 1 कर देते हैं हम, नाम दे देते हैं इसको, आपने ब्लॉक बना देना है, ओके कर देना है। इसी तरीके से सेकेंड दोबारा ब्लॉक के ऊपर आना है, नंबर 2 कर देता हूँ और आपने इसका नंबर 2 का ब्लॉक बना देना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा ब्लॉक की कमांड ले लेनी है और नंबर 3 नाम दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। उसका नाम देने के बाद इसका बना दें, ब्लॉक बना दें और इसी तरह आपने कैनाल वाले का भी 4 नंबर दे के और ब्लॉक्स आपने इसका बना देना है। ये ब्लॉक्स बनाने का मकसद ये है कि हम इसी के हिसाब से थोड़ी सी वर्किंग करेंगे और अपना आपको बताऊंगा कि आप इसके ऊपर टाइम अपना कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये सारे हमारे ब्लॉक की शक्ल में इधर आ गए। उसके बाद अब ये एरिया कोई भी एरिया है, जैसे आप ये देखने के जैसे साइड से है, अगर इस एरिया पे अगर आप जैसे 5 मरले के प्लाट्स के ऊपर अगर आप शुरू करते हैं तो आपने इस क्या करना है कि जैसे आपने इस एक प्लाट को जैसे कॉपी करना है,
कॉपी करना है इसमें से, और कॉपी करने के बाद आपने वैसे इसको मूव करके, और अगर आपने एंड के ऊपर जो बाउंड्री लाइन आपकी जा रही है उधर, प्लाट आप इस तरह भी लगा सकते हैं, और प्लाट आप 90 डिग्री के ऊपर इसको रोटेट भी कर सकते हैं, और इस तरह इस शेप में भी आप लगा सकते हैं। दोनों शेप में जिस तरह भी आप इसको बेहतर समझते हैं, ये आपके प्लॉट ड्रा हो सकते हैं। हम इसको वर्टिकल शेप में ही लगाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहला प्लॉट आपका इधर लग गया, उसके बाद आपने इधर से एक लाइन ले लेनी, लाइन ले लेनी है आपने इधर इसके, हम इधर से इसके स्लॉट के ऊपर से लाइन लेते हैं। लाइन लेने के बाद सपोज ये इसका इजाफा करना है प्लॉट नंबर का, तब इधर से मैं लेयर के ऊपर आ जाता हूँ, और इधर से ही आप प्लॉट टेक्स्ट है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और टेक्स्ट की कमांड के जरिए इधर मैं नाम दूंगा प्लॉट नंबर का साइन उधर लगा दूंगा, या अगर नंबर भी लगा सकते हैं या डॉट भी लगा सकते हैं, कोई चीज़ आप लगा सकते हैं। स्केल आप इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाए, या स्केल की कमांड से ले लें। स्केल की कमांड के जरिए मैं इसका स्केल 1% थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ताकि ये हमें थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो इसको आपने इधर सेंटर में इस जगह के ऊपर ये इधर कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं प्लॉट नंबर को, या आपको प्लॉट नंबर आ जाएगा इधर आप ये देख रहे हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इस पूरे पोर्शन को आपने इसके ऊपर एक लाइन लगा ली। ये जैसे हमने पहली लाइन लगाई थी, कोई भी आप लाइन ले ले, मैं सपोज है जैसे F8 प्रेस करके लाइन को सीधा कर देता हूँ, और 1000 फीट या 1000 फीट के ऊपर एक लाइन को मैं जैसे लगा दूंगा। ये देख रहे हैं आप, लाइन हमारी उधर तक आ गई। अभी हमने इन प्लॉट्स को सबके ऊपर इसके पैरेलल इधर लगाना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए आपने इधर से आ जाना है अरे के ऊपर, पाथ अरे आपका सिलेक्ट करना है आपने सेकंड नंबर पहले पे, रेक्टेंगुलर अरे होगा फिर पाथ अरे या फिर फॉर अरे। पाथ अरे को आपने सेलेक्ट कर देना है, ये वाले ब्लॉक को और ये वाले टेक्स्ट को आपने जैसे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, तो नीचे आपसे ये पूछेगा सिलेक्ट पाथ करव है या पाथ जो भी लगा हुआ आपका, तो आपने को जो भी पाथ होएगा वो उसको आपने सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर जिसका अरे का पूरा टेबल आपके सामने आ जाएगा। तो इधर से आपने इधर से आना है इस वाले कॉलम के ऊपर, जिधर मेजर लिखा हुआ है, ये आपके पास हो सकता है डिवाइड लिखा हुआ या मेजर लिखा हुआ, तो डिवाइड और मेजर दोनों होगा, तो आपने जैसे इसको मेजर के ऊपर लेकर आना है। मेजर के ऊपर लाने के बाद आपने ये देखना है कि इसको हमने पहले इधर लगाने हैं, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये मेरी डिस्टेंस सही है 25/45। अगर आपके पास ये डायरेक्शन, अगर आप ऊपर जाना है तो आपने 45 के ऊपर इसका डिस्टेंस देना है, और अगर आपने इस डायरेक्शन में जाना है तो आपने 25 फीट का डिस्टेंस देना है, जो कि डिस्टेंस मैंने आपको पहले चेक कराया था। तो अभी हमने इसका डिस्टेंस लगाना है 25 के ऊपर बराबर पे ये प्लॉट्स है। तो अभी आपने ये जैसे मेजर को सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद इधर पहले कॉलम के ऊपर आ जाना है, इधर आइटम्स के नीचे इधर आपका बिटवीन होएगा, तो आपने इधर इसका डिस्टेंस दे देना है 25 25 दे के आप एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे ये सारे प्लॉट्स आपके जिधर तक आपने पार्ट्स लगाया था उधर तक आपके ये प्लॉट सारे आ जाएंगे। तो आपने इधर से इसको लगा देना है इसी तरीके से। आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ये सारे प्लॉट ड्रा हो गए हैं। आप इसका डिस्टेंस जितना बड़ा ज़्यादा करेंगे ये प्लॉट्स उस हिसाब में ड्रा होते जाएंगे। राइट क्लिक करके इंटर कर दें, तभी आप इंटर करेंगे तो देखेंगे ये सारे प्लॉट्स हमारे पास इधर आ गए। तभी आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो दोबारा ये कॉलम ओपन हो जाएगा, इधर से आप इसके डिस्टेंस वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे आपने सबसे पहले आपने ये पोर्शन आपने इस तरह बना देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से इसी को आपने इसके बीच में आपने स्ट्रीट्स या लैंड को बनाना है, जो कि इन प्लॉट्स की एक्सेस होगी। तो वो अमूमन 40 फीट, 30 फीट और 50 फीट के दरमियान यूज होती है, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर मुख्तलिफ उसकी कमांड होती है। तो आपने जैसे एक लाइन पोली लाइन या लाइन की कमांड ले लेनी, सपोज मैं जैसे 40 फीट के ऊपर अपनी इस 25 फीट के ऊपर 25 फीट के ऊपर मैं जैसे एक स्ट्रीट को ड्रा कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि 25 फीट को मैंने लाइन लगा दी। इसके बाद आपने क्या करना है कि कॉपी की कमांड ले लेनी है, और ये प्लॉट्स को पूरा सबको आपने जो आपका ब्लॉक बना हुआ है इसको आपने इधर से कागज से पकड़ना है, और इस तरह इधर रख देना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि वर्क शेड के ऊपर थ्रो सारे प्लॉट्स हमारे इधर ड्रा हो गए। इसके बाद आपने दोबारा कॉपी की कमांड ले लेनी है, और इसी को आपने पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, और इसको आपने इसके साथ इधर मैच कर देना है। ये दोनों प्लॉट्स इनका जो फेस होएगा वो आमने सामने होएगा, और इसी तरह इसका अपोजिट साइड के ऊपर भी ये प्लॉट्स इधर आ जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये प्लॉट सारे लग जाएंगे। इसी तरह आप इसको इधर से कॉपी कर लें, इन दोनों प्लॉट्स को कॉपी करें, और इधर से आपने ये नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करना है, और इसके ऊपर इधर आ जाना। तो ये आपका जो सेम टू सेम इक्वल डिस्टेंस होएगा वो सारा का सारा इधर आता जाएगा। इस तरीके से आप प्लॉट्स को इधर मार्क कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये था कि इन प्लॉट्स को आपने इस तरीके से ड्रा कर लेना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। उसके बाद हमने इनके ये अभी आप देख रहे हैं कि ये सारे कंटिन्यू प्लॉट्स जा रहे हैं, इसके बीच में हमने इधर से इसकी स्ट्रीट्स को भी छोड़ना है, मुख्तलिफ
डिस्टेंस के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। तो ये प्लाट्स को भी छोड़ना है हमने, और इनका जो कोई पार्क वगैरह कोई चीज़ होगी तो वो भी हमने इन प्लाट्स को मद्देनजर रख के ही बनाना है। अगर सपोज हमें 10 प्लाट्स के बाद एक मैं इधर से स्ट्रीट्स को छोड़ता हूँ इधर से, तो अभी आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 प्लाट्स मेरे आ गए हैं, ये मेरा 11th प्लाट जा रहा था। तो मैं एक आरजी सी लाइन इधर एक लगा देता हूँ, और इसके बाद हमने क्या करना है कि इन प्लाट्स को हमने जो सिलेक्ट करना है, ये एंड वाले को मैं छोड़ देता हूँ, तो हो सकता है मैं आगे कॉपी करना पड़े, और उसको मैंने एक्सप्लोर कर देना है। एक्स की कमांड लेंगे और उसको एक्सप्लोर कर दे, ये आपके प्लाट सारे सेपरेट हो जाएंगे सारा कुछ। तो अभी आप देख रहे थे कि ये मेरा 10 नंबर वाला प्लाट था, इससे आगे वाला प्लाट के ऊपर मैं इधर स्ट्रीट छोड़ना चाहता हूँ, तो आपने इस स्ट्रीट को इधर से इसको डिलीट कर देना। आमने सामने सारा प्रॉपरली आप इसको इधर इसी तरह कर दें। तो हम क्या देख रहे हैं कि आपके सामने ये पूरा प्लाट ओपन हो गया, ये इस साइड पर, क्योंकि जो हमारा कॉर्नर वाला प्लाट है उसको हम इधर से छोड़ेंगे नहीं, इसके ऊपर हमारा सेम टू सेम वही चीज़ रहेगी। तो इसी तरीके से आप कॉपी की कमांड ले लें, और ये जो आपने 10 फीट वाली लाइन लगाई थी इसको आप इधर से पिक करें और इधर लगाते जाए इन लाइन्स को। अभी आप ये देखना कि ये हमारा 10 फीट वाला आ गया, तो इसके बीच वाला आप इधर से ये प्लाट्स को आप इधर से डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह आपके सीक्वेंस आपका बराबर रहेगा प्लाट का। इसी तरीके से आप कॉपी की कमांड दोबारा ले लें और इधर से आना है, और इधर आपने इधर इसको लगा देना है, और इधर से आपने इसके दरम्यान में जितने भी प्लाट्स वगैरह आ रहे हैं सारे आपने इसे खत्म कर देने। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरे प्लाट्स एक शेप के अंदर आ गए, एक ब्लॉक के अंदर आ गए। इनकी स्ट्रीट्स भी 25 फीट की है, और इनके जो लेंस है वो भी 25 फीट। स्ट्रीट और लेंस का कंसेप्ट आपको मैं बता दूं कि स्ट्रीट्स लेंस, आप अगर इस रुख के ऊपर स्ट्रीट चलाते हैं तो ये स्ट्रीट 1 होगी, ये स्ट्रीट 2 होगी, आगे स्ट्रीट 3 आती जाएगी। और इस अगर आप स्ट्रीट हॉरिजॉन्टल चला रहे हैं तो वर्टिकल जो होंगी वो लेन 1, 2, 3 वगैरह के हिसाब से होंगी। तो इधर आपने इसी तरह इनके टेक्स्ट वगैरह इधर लिख देने, इधर से इनकी रोड्स जो जो लाइन जा रही है उनकी सेंटर लाइन वगैरह लगाना है, और उसका जो रोड्स जितना आप देना चाहते हैं वो आप दे दें, साथ आप उसका कॉरिडोर वगैरह भी छोड़ेंगे। तो अभी आप देख रहे थे कि हमने एक लाइन इधर लगाई थी तो कॉर्नर से, तो आप लाइन को दोबारा लगा लें इस प्लाट के कॉर्नर से लेकर इस प्लाट के कॉर्नर तक, तो ये भी सेंटर आ रहा है। इधर से आपने इधर लेयर के ऊपर आ जाना है, और रोड सेंटर लाइन जो जा रही है, जो भी लेयर बनी हुई है आपकी, वो आपने बना देनी है। और इधर से आपने पॉली लाइन या लैंड की कमांड लेके, और जितना आपका प्लाट का साइज जा रहा है, जितना तक आप इसको फिलहाल बनाना चाहते हैं, हम फिलहाल इसके इधर इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास इधर उसकी सेंटर लाइन वगैरह ये सारी आ जाएगी। इसके बाद आप जो हमारी जो छोटे प्लाट्स होते हैं उनके ऊपर, या बड़े प्लाट्स होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम 11 फीट की लाइन होती है, 11 फीट से लेकर 12 फीट तक वो लाइन की विड्थ जाती है। तो इसके ऊपर आपने इधर से जो इसका रोड का एज है वो मार्क कर देना है 11 11 फीट के ऊपर। 11 फीट जो मिनिमम रोड की विड्थ है वो आपने इधर लगा देनी है, 11 फीट इधर और 11 फीट इधर। बाकी जो बचे जगह बची पास, ये इधर आपका पार्ट टाइप चीज आ जाएगी, या आपका कॉरिडोर वगैरह प्लाट्स के आगे जगह खत्म खाली रह जाएगी, इसके बीच में आप कोई चीज छोटी मोटी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 25 फीट का रोड है, लेकिन जो रोड की विड्थ होगी वो 11 फीट 11 फीट हमारी रहेगी। तो इसके बाद आपका ये जो एज होगा इसको आप इधर से चेंज कर सकते हैं, आप इसको रोड एज भी कर सकते हैं और येलो लाइन भी कर सकते हैं। मैं इसका नाम इधर से येलो लाइन को प्रकार देता हूँ, तो ये आप देखेंगे कि हमारा इस शेप के अंदर ये पूरा रोड इधर बन जाएगा। उसके बाद आपने कॉपी की कमांड ले लेनी है, और ये इन पूरे सेगमेंट को आपने इस तरीके से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने जैसे राइट क्लिक कॉर्नर से आपने इसको पिक करना है, और इधर आपने इधर अगली साइड के ऊपर भी ये सेम टू सेम लगा देनी है, और इसी तरीके से अगले साइड के ऊपर भी आपने ये लगा देनी। तो आप देख रहे हैं कि रोड्स हमारे सारे इधर मार्क हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने इस जगह के ऊपर आ जाना है, जो पहली आपकी स्ट्रीट बनेगी उधर भी आपने एक लाइन इधर से लगा देनी है, और उसकी सेंटर लाइन आपने इधर से पिक करनी है, और F8 प्रेस करके एंड तक इधर तक जो लाइन आ रही है इधर तक आपने उसको लाइन को लगा देना है 11 फीट का, और दोनों साइडों के ऊपर इसका ऑफसेट इधर सेम टू सेम लगा देना है, और मैच प्रॉपर्टी के जरिए MO उसकी शॉर्ट की है, और इधर से आपको जो येलो लाइन आपने लगाई थी रोड का एज उसके साथ आपने ये लाइन को इधर लगा देना है। अभी आप देख रहे हैं कि लाइन लग गई। उसके बाद आपने क्या करना है कि ट्रिम की कमांड ले लेनी है, और इधर से आपने ये जो एक्स्ट्रा लाइन जा रही है इसको आपने इधर से सॉरी इसमें सिर्फ येलो लाइन को आपने ट्रिम करना है, सेंटर लाइन आपकी वही चलती रहे। इसी तरीके से आप ये इधर नीचे आ जाए, नीचे ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि पूरा बन गया है इधर से। तो आप इसके बाद कॉपी की कमांड लेनी है, और इधर से येलो लाइन सेंटर लाइन को, इस येलो लाइन को, और इसी तरीके से दोनों येलो लाइन्स जा रही है उसको आपने इधर से कॉपी करना है, और कोई भी कॉर्नर आप जो ये इसका साइड वाला प्लाट वाला पिक करके, और ये नेक्स्ट कॉर्नर के इधर तक आपने इसको लगा दें। इसी तरीके से आप इधर आगे आ जाए तो इधर इनको आप लगा दें। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास पूरा एंड का ये पूरा पोर्शन हमारा अगर इसी तरीके से ये लग जाएगा, तो ये पूरी लाइन्स हमारी उसी तरीके से सेम टू सेम एक ही फॉर्मेट के ऊपर इधर आ जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि येलो लाइन को ब्रेक कर देना है दोनों साइडों से, ये बीच में जा रही है स्ट्रीट्स के ऊपर,
आपने देखना है सारी चीज़ों के ऊपर, येलो लाइन हमारी इधर काम में, आपने इसको इधर एक्सटेंड कर देना है, इस सेंटर लाइन को आपने इस सेंटर लाइन तक मैच कर देना है। इसी तरीके से ये येलो लाइन आपने इधर से ख़त्म कर देनी है, और ये जो हमने लाइन लगाई थी पहले, इसको भी आपने इधर से ख़त्म कर देना है। ये हमारे पास इधर इसी तरह बन जाएगा। लास्ट को इधर भी आपने इसी तरीके से इन लाइन को ख़त्म करके, और ये सेंटर लाइन को आपने एंड तक इधर तक एक्सटेंड कर देना है। इसी तरीके से आपने ये सारा प्रोसेस इसके साथ कर लेना, ताकि ये काम हमारा इजी हो जाए। इन लाइन्स को आप इधर से ट्रिम कर दें, एक्सटेंड कर दें, और ये वाली लाइन को आपने सेंटर तक, और ये वाली लाइन्स को आप इधर से इसी तरीके से इधर से ट्रिम कर दें। ये आप देख रहे हैं इधर हमारे पास इसकी शेप, प्लॉट्स की गली स्ट्रीट्स वगैरह की जो होगी वो सारी सेम टू सेम आ जाएगी, इक्वली आ जाएगी। तो ये आपने इस चीज़ के ऊपर इन चीज़ों को मद्देनजर रख के उसको बनाना। तो ये प्लॉटिंग वगैरह आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, बहुत इजी इसका सिस्टम होता है। प्लॉट साइजेस हर इलाके के साथ थोड़े से डिफरेंस होते हैं, किसी जगह के ऊपर कुछ चल रहा होता है, किसी जगह पर कुछ, तो ये हल्का फुल्का सा माइनर सा डिफरेंस होता है। तो ये आपने अपने एरिया के हिसाब से इसको लगाना है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एंड है, जैसे आपने फील्ड की कमांड ले लेनी है, एफ प्रेस करना है फील्ड की कमांड, आर प्रेस करके इसको आपने जीरो कर देना है। जीरो करने के बाद आपने ये वाली लेंस को आपस में मैच कर देना है, और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि एंड वाली जो लेंस जा रही थी इसको भी आप इधर से मैच कर सकते हैं, या इसको आप इधर एक्सटेंड करके इधर तक ले जाए, एंड तक ले जाए, ताकि ये स्ट्रीट इधर से सेपरेट हो जाए और इधर आगे हमारा अलग ब्लॉक स्टार्ट हो जाए। तो ये भी सेंटर लाइन हम इधर लगे रहने देते हैं, और ये वाला प्लॉट्स की लेंथ को हम इधर से ख़त्म करेंगे, और आगे जो नेक्स्ट प्लॉट्स वगैरह होंगे उनको हम इधर से इसको ड्रा कर देंगे। ये आप ये देख रहे हैं कि ये चार चीज़ें इसी तरीके से, ये इसकी अलाइनमेंट्स वगैरह सारा कुछ ड्रा होता है सारा कुछ, और इसी तरीके से ये चीज़ें बनती हैं। ये सेंटर लाइन का भी हम इधर से इसके साथ मैच कर देंगे, ये सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन, ये हमारी सारी मैच होती है। जैसे जैसे आप देखने के वाई लाइन जो हमने पहले लगाई थी, इसको आप खत्म कर दें, प्रोजेक्ट खत्म हो गया। आगे से हम सात मरले का प्लाट इधर लगाना चाहते हैं, उसकी प्लॉटिंग्स वगैरह को हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे करेंगे। तो भी आप देख रहे हैं कि इधर ये हमारी स्पीड सी हमने ये ऊपर कॉपी करके लगाई थी, ये 25 फीट की है। जैसे इसका डिस्टेंस में चेक कर ले तो ये वहाँ पर 25 फीट की है, 22 फीट की टोटल थी, और प्लाट टू प्लाट 25 फीट का वहाँ पर डिस्टेंस था। तो आपने इसके अंदर इस लाइन को आपने जैसे खत्म कर देना है। खत्म करने के बाद आपने जैसे ये जो हमारी प्लाटिंग होगी 7 मरले की, इधर प्लाट आपका एंड होएगा, उधर आपने स्ट्रीट या रोड को आपने बड़ा रखना है। इधर हम रखेंगे इसका जो स्ट्रीट की विड्थ होगी वो 40 फीट की होगी। सपोज मैं जैसे एक लाइन लगाता हूँ जैसे 40 फीट के ऊपर, तो 40 फीट के ऊपर ये आप देख रहे हैं कि ये लाइन लग गई, इसका कलर मैं जैसे चेंज करता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये हमारा प्लाट के फेस से होगा 40 फीट। तो इधर से हमने क्या करना है कि ये जो प्लाट हमारा आ रहा है, इस प्लाट को आपने जैसे कॉपी करना है, उसके साथ इधर लगा देना है। लगाने के बाद आपने कॉपी की कमांड और लेनी है, और ये प्लॉट नंबर जो आपने लिखा हुआ था ये आपने इधर इसके सेंटर में इस जगह के ऊपर आपने लिख देना है। और जैसे हम दोबारा इसका डिस्टेंस चेक करते हैं प्लॉट टू प्लॉट, ये आप देख रहे हैं कि 40 फीट है। ये प्लॉट टू प्लॉट हमारा डिस्टेंस 40 फीट है इसके अंदर, और इधर से जो हमारी स्पीड थी, ये प्लॉट टू प्लॉट जो डिस्टेंस था ये हमारा 25 फीट का था। ये आपने इस तरीके से इसको करना है, ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो प्लॉट्स वगैरह के हिसाब से जो स्ट्रीट्स और लेंस वगैरह को भी डिसीजन आपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि प्लाटों की जो डिवाइडेशन होती है वो सारी मैटर करती है उनके हवाले से। उसके बाद आपने इसको इधर लगा देना है, और लगाने के बाद आपने इसको कॉपी की कमांड लेनी है, और इसको दोबारा कॉपी करना है, और इसको अपोजिट साइड के ऊपर भी इसी तरह डबल प्लॉट्स के ऊपर लगा देना, जिस तरह ये हमारे लगा में एक का फेस इस तरफ होएगा, दूसरे का फेस इस तरफ आ जाएगा। उसके बाद आपने जैसे एक लाइन की कमांड दोबारा ले लेनी है, और सपोज है जैसे F8 प्रेस करके जिधर तक आप प्लाट का साइज जा रहा है 1000 फीट है, ये जितना भी है आपने इधर तक उसको लगा देना है। लगाने के बाद आपने क्या करना है कि दोबारा इन प्लाट्स को आपने इसी तरीके से इधर मिरर करके उसको अरे करके, और आपने इनको सारे प्लाट्स को इधर लगाना है। तो आपने इन दोनों प्लाट्स को सिलेक्ट कर लेना है, टेक्स्ट में जितनी भी चीजें आ रही है जैसे एरे के ऊपर आ जाना है, और पाथ एरे को आपने सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे सारी चीज़ों को आपने इनको सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है, और इधर पाथ अरे जो पाथ की लाइन हमने लगाई है इसको आपने सेलेक्ट करना है। इधर से आपने इसी तरह मेजर के ऊपर रहना है, और जैसे आपने प्लॉट का साइज जो जा रहा है आप देख रहे हैं कि हमारा जो साइज है ये 30 फीट का साइज है। इस तरह हॉरिजॉन्टल 30 फीट साइज है, और वर्टिकल जो हमारे पास 52.5 है। तो आपने जैसे इसी तरह इस प्लॉट का डिस्टेंस 30 फीट आपने सेलेक्ट कर देना है, और सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर देना है। तो अभी आप देखेंगे कि आपके सामने सारे प्लॉट्स वगैरह इधर ड्रा हो जाएंगे। तो इसमें अभी आप देख रहे हैं कि स्ट्रीट के सामने भी स्ट्रीट दे सकते हैं, और आगे पीछे भी आप इसका डिस्टेंस वगैरह
चेंज कर सकते हो। तो इधर सबसे पहले आपने इधर एक पोली लाइन की कमांड ले लें, लाइन या पोली लाइन लेके, और इधर उसकी एक सेट लाइन इधर लगा दें। तभी आप देखने कि ये जो हमारा क्वेश्चन होगा ये हमारा चेंज हो जाएगा आपका। तो आपने इधर से इसी तरह ऑफसेट की कमांड ले ली है और 11 11 फीट की इधर दोनों साइड के ऊपर लाइन लगा देनी है। 11 फीट की लाइन लगाने के बाद आपने ये लाइन को इसके साथ पूरा आपने इसका कर देना। और ये जो लाइन हमने लगाई थी 10 फीट के ऊपर, जो इधर इस साइड पे जो लाइन आएगी वो लाइन को आपने इससे खत्म कर देना है, क्योंकि इसका फ्रंट अब बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ब्लॉक अलग हो रहा है। जैसे ब्लॉक अलग होगा, रोड की लेंथ फिर चेंज होगी, वो चीजें चेंज हो जाएगी। इधर आप देख रहे थे कॉरिडोर हमारे पास सिर्फ 3 फीट का आ रहा था, इधर हमारे पास जो कॉरिडोर आ रहा है इसका वो ऑलमोस्ट 9 फीट के बराबर आ रहा है। 7 मरले से लेके 10 मरले तक की जितनी स्ट्रीट्स वगैरह होती है वो सारी अमूमन मैक्सिमम 40 फीट के ऊपर डिजाइन की जाती है। वगैरह को लगाएंगे इधर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि प्लाट का साइज चेंज है। तो आप इधर इसी तरह काउंट करके 12 या 13 प्लाट्स के ऊपर इसकी डिवाइडेशन बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वाला हमारा प्लाट आ रहा था। इधर हमें एक लाइन लगा देता हूँ इधर जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। लाइन लगाने के बाद ये जो दोनों चीजें इसको मैं एक्सप्लोर करके खत्म करता हूँ, और ये वाला प्लाट कैसा ये जो जा रहा है ये देख रहे हैं, ये प्लाट कैसा मैं जैसे इसका खत्म कर दूंगा। तो ये बीच में हमारी स्ट्रीट बन जाएगी, लेकिन ये स्ट्रीट का डिस्टेंस अभी हमारे पास इधर कम है, तो उसका स्ट्रीट का डिस्टेंस को हमने पूरा करना है, क्योंकि इधर हमारे पास जो रोड होगी वो 40 फीट की होगी। इधर जो रोड आ रही है 30 फीट की आ रही है, तो हम इसको 30 फीट नहीं रखना चाहते, हम इसको इधर 40 फीट की पूरी रोड को रखना चाहेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जैसे मैं इसका कलर वगैरह इधर चेंज करता हूँ और पॉली लाइन की एक कमांड ले लेता हूँ इधर से, और इधर तक इसको सामने रख के 40 फीट के ऊपर एक लाइन लगा दूंगा। अभी आप देख रहे हैं ये 40 फीट का डिस्टेंस हमारे पास इधर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इधर से मूव की कमांड लेनी है और ये वाले पोर्शन को आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर से इसको मूव करना है और ये इधर कलर के ऊपर आपने इस सारे प्लॉट्स को मूव। अभी आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रीट हमारी बन जाएगी ये हमारी 40 फीट की स्ट्रीट बन जाएगी। तो इसी तरीके से आपने सेम टू सेम इन दोनों को कॉपी कर लेना है इधर से दोबारा, और कॉपी करने के बाद आपने इधर से कॉर्नर के ऊपर से इसको पिक करना है और इधर लगा देना। तो ये आगे आपके पास ऑफसेट इसी तरह आ जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि ये लाइन हमारे पास इधर डिवाइड हो गई है, लाइन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने इस लाइन को इधर से मूव करना है और इधर प्लाट के कॉर्नर के ऊपर ले आना है। ये प्लाट का साइज आपने इससे कम नहीं करना। उसी तरीके से आपने इधर से मूव करना है इस प्लाट को, कम्प्लीट प्लाट को, ये पूरे पोर्शन को इधर से मूव करेंगे और ये वाला प्लाट भी आपका इधर से मूव हो जाए, या इसको आप खत्म कर दें इधर से। बहरहाल हम इसको जैसे मूव करते हैं, और मूव करने के बाद राइट क्लिक करके और इधर इस लैंड के कॉर्नर के ऊपर ले आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इधर से ये हमारी जो इसकी स्ट्रीट्स हैं वो इधर हमारी दोनों इधर क्रिएट बन गई जाएंगी सारी। इधर से वाली स्ट्रीट हमारी इस तरफ आ रही थी और इधर से जो स्ट्रीट्स हैं इनका डिफरेंस आ गया प्लॉट वाइज। तो आप इसको इसी तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं, इन्हीं तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने क्या करना है, कॉपी की कमांड दोबारा ले लेनी है और ये पूरे ब्लॉक को इस इधर से आपने इसको कॉपी कर लेना है, ये इसकी लाइन समेत। कॉपी करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और ये प्लॉट का कॉर्नर से इसको पिक करना है और इस प्लॉट के कॉर्नर के ऊपर आपने इसको लगा देना है। जितने तक आप इस ब्लॉक को बनाना चाहते हैं आप इन ब्लॉक्स को बनाएंगे तो इसकी स्ट्रीट्स वगैरह सारा कुछ सेम टू सेम इसी तरीके से आएगा, इसकी ब्लॉक सारी सेम टू सेम होगी। आप देख रहे हैं इस तरीके से आपने ये सारी वर्किंग्स वगैरह को करना है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि प्लॉट्स हमारे इधर ये लेंथ हमारी इधर बढ़ रही है, इसको आपने इधर से एक्सटेंड कर देना है। लाइन लगाने के बाद ये जितनी भी आपकी लाइन्स हैं इनको आपने इधर तक एक्सटेंड कर देना है। बाकी प्लॉटिंग जब आप एक दफा प्लॉटिंग इसकी कर लेते हैं, प्लॉटिंग करने के बाद इनकी थोड़ी बहुत ही लाइन्स वगैरह इधर से सारी चेंज हो सकती है। इसके ऊपर कोई ऑप्शन भी मजीद हम इसको यूज कर सकते हैं, इसके अंदर से मुख्तलिफ डिजाइन भी बना सकते हैं, सारा कुछ इनके अंदर हम बना सकते हैं। जैसे एक लाइन लगा दें, और लाइन लगाने के बाद पॉली लाइन की एक लाइन लेके और ये इधर आपने इसके बिल्कुल एग्जैक्ट इधर सेंटर तक आके आपने इसके इधर पॉली लाइन को लगा देना है, और उसको मैच प्रॉपर्टी आपने लेयर के साथ कर देनी है, जो सेंटर लाइन की लेयर जा रही है उसके साथ, ताकि इसका कलर सेम टू सेम आ जाए। उसके बाद आपने 11 11 फीट की इधर रोड का एज येलो लाइन या रोड का एज आपने मार्क कर देना है दोनों साइडों के ऊपर, और इसको भी आपने इसी तरह प्रॉपर्टी के साथ मैच करके उसकी लेयर्स बना देनी है। उसके बाद आपने इन लाइंस को आपने इसे कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद ये कॉर्नर से पिक करना है और नेक्स्ट कॉर्नर के ऊपर आपने लगा देना है, और इसी तरीके से नेक्स्ट कॉर्नर के ऊपर आप इसको ले आए तो ये आपकी इधर स्ट्रीट्स और लाइन इधर बन जाएंगी। इसी तरीके से आपने उसको इधर से ट्रिम कर देना है जो दरमियान वाले पोर्शन जा रहे हैं सारे।
ताकि इसको वाजा कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को आपने लाइक जरूर करनी है। तो ये इसी तरह आप इसकी मुख्तलिफ प्लॉटिंग्स वगैरह बना सकते हैं। इसके बीच में जब आप ये प्लॉटिंग्स वगैरह करेंगे, प्लॉटिंग करने के बाद जो भी आइडियाज वगैरह आपने लगाने हैं वो लगाएंगे। इसके बीच में आप कमर्शियल मार्केट्स अपने पार्क्स वगैरह बना सकते हैं और कोई चीज भी जो भी बनाएंगे वो इन प्लॉट्स के बीच में उसकी डिवाइडेशन के हिसाब से वो एरिया इधर बनेगा और बनने के बाद वो चीज इधर से फाइनल होगी। अभी आप देख रहे हैं कि ये बना दिए इधर, ये जो 40 फीट्स की रोड है इसके ऊपर आपने ये कार्नर नहीं बनाना। जिस तरीके से ये कार्नर हमारे पास इधर बना था, क्योंकि इधर हमारे पास रोड लिमिट यही थी, छोटे प्लॉट्स होते हैं इसमें ट्रैफिक भी उस हिसाब में कम होती है, तो जो 40 फीट्स की रोड होती है उसके बीच में जो कार्नर की प्लॉट्स हैं इधर आपने इसका रेडियस लगाना है। रेडियस कैसे लगाना है, आपने फील्ड की कमांड ले लेनी है और इधर से एफ प्रेस करके और इधर से आपने रेडियस उसका 25 फीट इधर से लगा के और इधर से आपने इसको दोनों लाइंस को आपने इसे चेक लगा देना। तो आप देख रहे हैं कि 25 फीट का रेडियस इधर से लग गया इसका, इन साइड का ऊपर ये चारों साइड के ऊपर आपने इसी तरीके से इनका रेडियस लगा देना है ताकि इधर से गाड़ी वगैरह जो है वो इजीली टर्न कर सके, उसकी जो स्पेस चाहिए होती है मिनिमम वगैरह सारी वो इधर से इसकी मिल जाए। तो जो रोड का जो रेडियस होता है जिसके ऊपर जो हमें चाहिए होता है मिनिमम, वो 25 फीट का होता है, जिसके अंदर हैवी ट्रैफिक बड़ी गाड़ियाँ ट्रक वगैरह बसेस वगैरह वो सारी मूव कर सकती है 25 फीट के रेडियस के ऊपर। जो 40 फीट का आपका रोड होता है उसके ऊपर ये आपको चीज मिल जाती है। जो 40 फीट से कम का रोड होता है उसके अंदर फिर आपका ये जो कार्नर वाला प्लाट होगा उधर थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसी तरीके से आप इधर एंड पे भी आ जाएंगे और इधर से आपने इसको ट्रिम करके और ये सारे सेगमेंट को आपने सेम टू सेम एक ही पैरेलल मेथड के ऊपर आपने इधर से ले आना है। आप देखने के लिए सारी वर्किंग मैं आपके सामने ये करता जा रहा हूँ, ये सारा आपने इसी तरीके से ये सारे बना देने। ये आप देख रहे हैं कि सारे हमारे ये कंप्लीट हो गए सारे, और जंक्शंस वगैरह तो जो थे वो भी सारे इधर बन गए। इधर आप हल्का फुल्का से रेडियस दे सकते हैं, लेकिन वो भी अगर आप देना चाहते हैं तो दे देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने इधर से एक्सटेंड करना है, ये वाली लेंस को भी आपने इनके साथ मिला देना है, जिधर से आपकी छोटी लेंस बड़े रोड के साथ बड़ी स्ट्रीट के साथ आपके पास टच कर रही है। जितनी भी आपके लिंक्स आ रहे हैं सारे आपने इसी तरीके से इनको बढ़ा देना है। सेंटर लाइन को आपने सेंटर लाइन के साथ मैच कर देना है और ये दरमियान वाले पोर्शन को आपने जैसे इसी तरीके से ट्रिम कर देना है इन पोर्शन को आपने, और जैसे आपने इसका रेडियस लगा देना है 25 फीट का। अभी हम चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये प्लॉट हमारा कम हो गया। तो ये जो प्लाट आपका इधर से कम होएगा वो प्लाट का आपका साइज इधर से कम हो जाएगा। इसको आपने इधर से एडजस्टमेंट करके उस प्लाट का जो कटिंग बनेगी वो आपने कटिंग इधर उसकी बना देनी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सारा प्लाट सारा इधर से जो भी जितना भी ये कम हो रहा एरिया आपने उसका इधर से ट्रिम कर देना एरिया, इसको ब्लॉक बना हुआ है एक्सटेंड करके एक्सक्लूड करके और इसको इधर से ट्रिम करना है, और जैसे आपने एक लाइन इस तरह लगानी है और उसके साथ आपने 3 फीट या 2.5 फीट आपने अंदर कर देना है जितना आपका इधर जा रहा है। तो ये आपका प्लॉट इतना इस पोर्शन का थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो कॉर्नर वाला आपका प्लॉट होगा उसका फेस वगैरह आप इसके द्वारा कम कर सकते हैं, लेकिन ये आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो आपको उसकी अलाउ इजाजत देता है तो आप इसके हिसाब से उसको आप कर सकते हैं। देखो तो आप जैसे रेडियस कम कर दें 20 फीट का कर दें तो ये 20 फीट के अंदर ये एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आप इधर कोशिश करें कि इसका जो मिनिमम रेडियस जो रिक्वायरमेंट है वो आप इसकी लगाएं। यहाँ किसी तरह जो भी प्लाट आपके काम होंगे उनका साइज आपका अलग अलग होता जाएगा। तो ये भी आप देखते हैं कि सारे प्लाट्स जो थे वो इधर से इतने इतने कम हो जाएंगे इस पोर्शन के ऊपर। आपने ये 10 मरला का जो प्लाट है उसको भी आप इधर से कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद मैं इधर इस जगह के ऊपर इसकी सेटिंग्स वगैरह इधर एक फिलहाल रख देता हूँ, और इधर से जो हम रोड बनाएंगे इसके बीच में वो 40 फीट की ही बनाएंगे। पहली ये 40 फीट की रोड आ जाएगी, आपने जैसे इसको मूव करना है और कॉपी मूव करने के बाद इस जगह के ऊपर लगा देना है, और जैसे आपने इसी तरह प्लाट नंबर जो आपके पास लगा हुआ था उसको आपने कॉपी करके
इसके ऊपर लगा दे रहे हैं। प्लॉट नंबर आपने लाजमी लगाने होते हैं क्योंकि प्लॉट का सारा हिसाब किताब उसी हिसाब में चलता है। तो आपने इसको जैसे कॉपी करना है और इसको इसी तरीके से इसके अपोजिट साइड के ऊपर इधर बिल्कुल सेम टू सेम आपने लगा देना है, जिस तरह आपने ये लगाए थे। लगाने के बाद आपने इसी तरीके से एक लाइन लगा देनी है इधर सामने तक F8 प्रेस करके, और इधर से आपने वही प्रोसेस अरे की कमांड ले लेनी है पाथ अरे। आपने दोनों चीजों को सिलेक्ट कर लेना, दोनों प्लॉट्स को, और राइट क्लिक करना है, और जैसे आपने उस लाइन को सिलेक्ट करना है, मेजर को पर आना है। इधर प्लॉट का साइज है हमारे पास 40 फीट का, तो आपने इधर बिटवीन को पर आना है, और जैसे आपने 40 के ऊपर रख के और लाइन लगा देनी है। अभी आप देख रहे हैं कि लाइन वगैरह लग गई है सारी, सारा कुछ बराबर हो गया। तो इधर से आपने इसी तरीके से इनकी स्ट्रीट्स वगैरह को भी इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रीट्स सारी स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी आप इसकी सेम टू सेम वर्किंग इधर प्लॉट के हिसाब से करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है दोनों, इसके बीच में जो भी स्ट्रीट्स वगैरह होंगी उसको आप इधर से इसी तरीके से आप इसको खत्म कर दें, इधर से अरेस कर दें ये आपके सामने। और नेक्स्ट प्लॉट जो आपके सामने आ रहा है इधर, ये इसको में थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस है। जो ये जो डिफरेंस है इसको आपने कैसे दूर करना है, तो उसके लिए आपने जैसे इसकी लाइन को इधर लगा देना है, जैसे ये लाइन इधर आपने मूव करनी है, और मूव करने के बाद आपने ये जो प्लॉट्स आपके जा रहे हैं ये आप देख रहे हैं कि ये प्लॉट दरमियान वाला आपका प्लॉट से जैसे खत्म हो जाएंगे, ये प्लॉट आपका ज्यादा आ रहा है। तो आपने जैसे क्या करना है कि इन प्लॉट्स को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इस जगह पर मूव करा के स्ट्रीट को सामने रख देनी है। ये प्लॉट का फ्रंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इसको आप दोनों से में डिवाइड भी कर सकते हैं। इसको जैसे कॉपी करें, और ये नीचे वाला कॉर्नर आपने पिक करना है, और इस कॉर्नर के ऊपर आपने इसको लगा देना है। तो आप देख रहे हैं कि इधर आपके पास ये बन जाएगा। तो आपने दरमियान वाले प्लॉट्स को और ये एंड वाले प्लॉट्स को जैसे खत्म कर देना है, और खत्म करने के बाद आपने जैसे मूव करना है इन सारे प्लॉट्स को, और तकरीबन इसको सेंटर में जैसे थोड़ा सा डिफरेंस जो भी आ रहा है वो आपने जैसे कर देना है इसका। तो आप देख रहे हैं कि इधर प्लॉट भी बढ़ जाएगा हमारा, और ये इधर वाला प्लॉट भी बढ़ रहा है। इनकी आप सेटिंग्स वगैरह मुख्तलिफ तरीके से इसको कर सकते हैं। कॉपी कर लें सारे ऑफसेट को, और इधर नीचे से आपने पिक करना है, इधर आप सामने फ्रंट के ऊपर इन प्लॉट्स को लगाते जाएं। जितने प्लॉट्स आपके डिजाइन के अंदर हैं बना सकते हैं बनाते जाएंगे, तो सारा आपका सेम टू सेम सीक्वेंस के हिसाब से ये सारा कुछ बन जाएगा। जैसे इस लाइन को मैं जैसे खत्म कर देता हूँ, लाइन को जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है, एक लाइन ले लेता हूँ। तो लाइन लेने के बाद इधर इसी तरीके से इन लाइन्स को मैंने इधर एक्सटेंड कर देना है रोड से थोड़ा सा ऊपर तक, और इनकी इसी तरीके से मैच प्रॉपर्टी के जरिए MA शॉर्ट की के जरिए इनकी लेयर्स वगैरह को आपस में हमने मैच कर देना है। और जैसे जो एक्स्ट्रा लाइन फिलहाल जा रही है उनको हमने जैसे ट्रिम कर देना है। और जैसे आपने इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इस सेंटर लाइन से आपने इसको पिक करना है, और ये सेंटर लाइन तक आपने इसको लगा देना है। इसी तरीके से सेंटर के ऊपर आ जाना आपने, और इसका ये सेंटर लाइन को जैसे आपने पिक करना है, और जैसे आपने इसका ऊपर सेंटर लगा देना है, और ऑफसेट 11 11 फिट जो रूट की विड्थ है वो आपने दोनों तरफ लगा देनी है, और इसको मैच प्रॉपर्टी के जरिए इसकी लेयर्स को आपने इसी तरह बना देना है। बनाने के बाद आपने दोबारा इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद इसका अंदर से पकड़ के, और ये ऊपर आपने जितनी भी आपके रोड्स वगैरह आ रहे हैं सबके ऊपर आपने इसको इधर इसी तरीके से सेम टू सेम वर्किंग करते हुए लगा देना। और उसके बीच में आपने इसका रेडियस वगैरह इस तरीके से एडजस्ट कर लेना जिस तरह मैंने पीछे किया था। तो आपने ये देखा कि हमने सारे प्लॉटिंग्स वगैरह सारी कंप्लीट की है। इसी तरीके से आप अपने प्लॉट्स का फॉर्मेट बना लें, जो जो से भी है आप इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मुख्तलिफ शेज में ला के इसी मेथड को यूज़ करते हुए अपनी सोसाइटी का डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आप पार्क बना सकते हैं, इसके अंदर आप स्कूल्स वगैरह चीज़ें कमर्शियल एरियाज वगैरह, लेकिन वो सारी आपने इस तरह प्लाट डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर बनाना है, क्योंकि कोई भी एरिया आपने इसमें ज़ाया नहीं करना। तो इसके हिसाब से ही चीज़ें सारी बनती हैं इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, काफ़ी सारा आपको इसका इंफॉर्मेशन वगैरह सारी मिल गई होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, लाइक और फॉलो कर लें, और मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।